कोरोना संक्रमण के चलते भिकनगांव क्षेत्र के लगभग अधिकांश निजी अस्पताल बंद है। वहीं शासकीय अस्पताल के दो कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल परिसर को भी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, जिसके कारण अस्पताल की ओपीडी बंद है। नगर के निजी चिकित्सालय समाधान हॉस्पिटल द्वारा नगर सहित क्षेत्र को प्रतिदिन 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। नगर में एकमात्र अस्पताल खुला है जो प्रतिदिन नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे विभिन्न प्रकार के मरीजों का उपचार कर रहा है। समाधान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राम पटेल और गोपाल चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद भी हमने अपनी सेवाएं जारी रखते हुए निर्णय किया और कोरोना संक्रमण के संबंध में शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ हम आने वाले मरीजों का उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर पटेल के अनुसार अस्पताल को दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन किया जाता है, साथ ही मरीज को भी हॉस्पिटल में दाखिल होने के पहले सैनिटाइज किया जाता है। इसके अतिरिक्त मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन पीलिया, डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, डायबिटीज, अन्य किसी भी रोग में पीड़ित 35 से 40 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तुरंत शासकीय अस्पताल भेजा जा रहा है। बीकन गांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है, ऐसी स्थिति में आप अपनी सेवा दे रहे हैं, किस तरीके की सेवा दे रहे हैं? हम लोग जो है अभी इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, जो इमरजेंसी मरीज होता है और जो संदिग्ध मरीज रहता है सर्दी जुकाम खांसी का, उसको हम सरकारी अस्पताल भेजते हैं और 24 घंटे हमारे इमरजेंसी सेवा लागू है। डेली आपके कितने पेशेंट आते हैं इलाज के लिए? 35-40 का एवरेज। 35-40। तो कितने डॉक्टर्स हैं अभी फिलहाल? अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला ही हूँ। और ड्यूटी पे कितने रहते हैं? ड्यूटी पे ये हैं RMO, तो ये भी ड्यूटी पे रहते हैं, बाकी दूसरा स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ। हाँ सर, देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल भी बंद किया गया प्रशासन द्वारा, सारे निजी अस्पताल भी बंद है, लेकिन इस दौरान आप लगातार आपकी सेवाएं दे रहे हैं जी, तो इस तरह से आप किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके पास? कुछ संदिग्ध सर्दी खांसी वगैरह के भी कुछ आते हैं, और बाकी जो तो पुराने हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या दूसरे जो मरीज रहते हैं डिहाइड्रेशन वगैरह के, वो लोग भी आते हैं जिनको कि इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।